देशभर योगाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रेरणेतून सर्वधर्म योग संस्थांच्या वतीने योगाचे मार्गदर्शन आणि प्रबोधन त्याचे महत्त्व विशद करत 3 राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात भेट देत मोफत शिबिरे घेत पायी पदयात्रा करत विनोद शुक्ला आणि सर्वेश पुरी हे कानपूर ते शिर्डी असा 40 दिवस 1100 किलोमीटरचा प्रवास करत 3 राज्यातील विविध ठिकाणी योग जागरण कार्यक्रम घेत पदयात्रा शिर्डी येथे पोहोचली आहे. 7 मार्च रोजी साई मंदिर परिसरात 16 गुंठे जागेत मोफत योग शिबिर संपन्न होणार असून त्याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन योगाचार्य विनोद शुक्ला यांनी केलं. यावेळी शुक्ला म्हणालेत की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अशा 3 राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात भेट देत शिर्डी येथे पोहोचला असून साईबाबांच्या विचाराचा प्रचार आणि प्रसार व योगाचे महत्त्व समाजाला समजावे यासाठी ही पदयात्रा केली असल्याचं सांगितलंय. या पदयात्रेचा हेतू वृक्षारोपण, शाकाहाराचे महत्त्व, स्वच्छ भारत अभियान, व्यसनमुक्त भारत, अध्यात्माची आवड निर्माण व्हावी, चांगले आरोग्य, निरोगी भावी पिढी हा हेतू यामागे आहे. शुक्ला हे साई भक्त असून त्यांनी साईंच्या विचाराचा प्रचार आणि प्रसारासाठी देखील उत्तर प्रदेश येथे कार्य केलेलं आहे. विनाशुल्क योग शिबिरासाठी ते कार्य करत असतात. आतापर्यंत त्यांनी जवळपास 18 वर्षांत 5000 जास्त शिबिरे मोफत घेऊन सामाजिक बांधिलकी ठेवत योगदान दिलंय. या कामासाठी आपल्याला पत्नी प्राध्यापक सोना शुक्ला, योग साधक जगमोहन साहू यांचा देखील मोठा सहभाग असतो असं यावेळी त्यांनी सांगितलंय. मैं योगाचार्य विनोद शुक्ला योग जागरण पदयात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से योग जागरण पदयात्रा का सर्वधर्म योग संस्थान के माध्यम से हमने आयोजन किया है. माननीय प्रधानमंत्री का जैसा कहना है कि आंगन आंगन योग पहुँचे, तो आंगन आंगन योग पहुँचाने के लिए हमने योग जागरण पदयात्रा आयोजित करी जो कानपुर से शिरडी महाराष्ट्र तक 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई 25 जनवरी से आरंभ हुई और आज यानी 5 मार्च को शिरडी में इसका आगमन हुआ. इन 40 दिनों की पदयात्रा के माध्यम से हमने गांव-गांव में, कस्बों-कस्बों में और शहरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को निशुल्क योग शिविर सिखलाया. साथ ही साथ गाँव वासियों को मैंने योग के गुर बताए. साथ ही साथ समाज सुधारक बातें जैसे नशा मुक्ति, साफ सफाई का महत्व, शिक्षा का महत्व, अध्यात्म का जीवन में महत्व, शाकाहार का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व, साथ ही साथ कुछ एक दो और कुरीतियाँ जो थी समाज में उस पर भी हमने प्रकाश डाला. जैसे आवारा पशु पक्षियों की निर्मम दुर्घटना के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है हाईवेज पर, तो इसकी रोकथाम के लिए हमने प्रशासन से अपील करी कि इसको कैसे रोका जाए, जो हाईवेज पर पशु पक्षी घूमते हैं उनकी सुरक्षा कैसे करी जाए. साथ ही साथ हम एक और प्रशासन को बताना चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि जो पदयात्री रास्तों पर चलते हैं. शिरडी में क्या प्रोग्राम है 7 तारीख? शिरडी में 7 तारीख को निःशुल्क योग शिविर आयोजित करेगा साई बाबा संस्थान शताब्दी मंडपम में अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक. तो इसमें आप लोग जरूर उपस्थित हो और योग शिविर का लाभ उठाएं. उत्तर महाराष्ट्र लाइव साठी किशोर पाटनी शिरडी.